आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर, आकाशवाणी समाचार के संग भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए प्रत्येक दिन प्रस्तुत कर रहे हैं इसी संघर्ष की एक झलक। आज हम याद कर रहे हैं स्वाधीनता सेनानी और भारत के पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को। उनका जन्म आंध्र प्रदेश के वर्तमान अनंतपुर जिले में हुआ था। रेड्डी ने विश्वविद्यालय की शिक्षा पूरी की और अनंतपुर के सरकारी कला महाविद्यालय में पढ़ने लगे। जुलाई 1929 में महात्मा गांधी की अनंतपुर यात्रा के बाद रेड्डी स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हो गए। उन्होंने महाविद्यालय की पढ़ाई छोड़ दी और स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। वे यूथ लीग से निकटता से जुड़े थे और विद्यार्थी सत्याग्रह में भाग लेते थे। 1938 में रेड्डी आंध्र प्रांतीय कांग्रेस समिति के सचिव निर्वाचित किए गए। ४२ में भारत छोड़ो आंदोलन के समय रेड्डी को गिरफ्तार किया गया और अमरावती कारागार भेज दिया गया। कारागार में उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों टी प्रकाशम, एस सत्यमूर्ति, के कामराज और वीवी गिरी के साथ सजा काटी। रेड्डी 1945 में रिहा किए गए। 1946 में मद्रास विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। 1953 में वो आंध्र राज्य के उप मुख्यमंत्री बने और फिर 1956 में आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 1964 से 1967 तक कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया और 1967 से 1969 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे। रेड्डी 1977 में भी सांसद चुने गए जब वे लोकसभा अध्यक्ष रहे। उसके 3 महीने बाद नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध भारत के छठे Past since we became free, the events of the recent past have proved the maturity of thought and action by the millions of our toiling countrymen who have confirmed our belief in the democratic way of life. Today we can hold our heads high as the world's largest democracy. And if the democratic way of life is to last, we must look inwards and examine our thoughts and actions. पहली जून 1996 को उनका निधन हुआ। महान राष्ट्रवादी नेता को हमारा नमन। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। हम आज वीर ईसावी सिंह को भी याद कर रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश के जौनपुर के निवासी थे। ईसावी सिंह 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष के समय जौनपुर में अंग्रेजों से लड़ रही सेना में शामिल हो गए। उन्होंने सरकारी गोदाम लूटने के अभियान में भाग लिया और वहीं गोदाम के संरक्षक डेविस की हत्या कर दी। ईसावी सिंह को पकड़ लिया गया और मृत्यु दंड की सजा दी गई। उन्हें 1 जून 1858 को फांसी दे दी गई। वीर ईसावी सिंह को हमारा शत शत नमन। हम आज वीर त्रिलोकीनाथ गुचैत का भी स्मरण कर रहे हैं। वे पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के निवासी थे। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कोई कर नहीं अभियान में भाग लिया था। 1 जून 1930 को पुलिस की गोली लगने से उनकी मृत्यु हुई। उनको शत शत नमन। आज कार्तिक मिश्र की भी पुण्यतिथि है। उनका निधन 1 जून 1930 को हुआ था। कार्तिक बंगाल के सेरामपुर गांव के निवासी थे। विद्यार्थी जीवन में ही वो सत्याग्रह में शामिल हो गए। 1 जून 1930 को नमक सत्याग्रह के समय प्रताप दीघी में पुलिस लूट और आक्रमण का समाचार सुना तो अत्याचार के विरोध में कार्तिक के साथ 200 लोग प्रदर्शन के लिए एकत्र हो गए।
पुलिस ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। गोलीबारी में दो लोग मारे गए और अनेक घायल हुए। मृतकों में कार्तिक भी थे। धरती माँ के वीर सपूत को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार की संग श्रृंखला की आज की कड़ी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ।